पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर चले 4000 किलोमीटर समुद्र से लेकर हिमालय तक, और कोशिश ये थी कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हम एक मैसेज भेजें। और पहली यात्रा ने यह मैसेज बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश में फैलाया कि इस देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, एक आरएसएस नफरत भरी विचारधारा, दूसरी कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की विचारधारा। और उसमें हमने एक बहुत सुंदर नारा दिया जिसको आप लोगों ने सुना होगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, क्योंकि ये देश जो है ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश तो नहीं है। भैया ये ढोल बंद का जीप करिए, ये ढोल बंद करो भैया, ये भैया बंद करवाओ, जोश में चलाते जा रहे हैं। हाँ सही है। तो लोगों ने हमें कहा, देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर दी, मगर ओडिशा में क्या होगा? ओडिशा तो पहले यात्रा के रास्ते में नहीं था। मणिपुर का क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा? असम का क्या होगा? तो हमने सोचा कि दूसरी यात्रा निकालते हैं मणिपुर से महाराष्ट्र। मणिपुर क्यों? क्योंकि मणिपुर को बीजेपी की विचारधारा ने जला रखा है, वहां लोग आज भी वहां लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और आज तक 6-7 महीने हो गए, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। तो आप समझ लो। और मैं ये भी कह दूं कि शायद वो वहां जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहां मणिपुर में लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे लगता है वो वहां पैर भी नहीं रख सकते। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे पोस्टर पे लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देखा आपने, न्याय शब्द जोड़ दिया हमने। तो न्याय शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि हिंसा के पीछे, नफरत के पीछे अन्याय है, क्योंकि इस देश में गरीबों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ, छोटे जो बिजनेस करते हैं उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। हर स्टेट में किसको ये एक ही, हाँ आपने आपने बोलने से पहले ही बात पकड़ ली, ये जो भी किया जा रहा है अदानी और अंबानी के लिए किया जा रहा है। आप लोग देखिए, आप सुबह उठते हैं, आपने शर्ट खरीदी, किसी ने ये चश्मे खरीदे, फिल्म स्टार लग रहे हो आप बिल्कुल, तो ये खरीदे, आपने इसमें जीएसटी दी होगी, कितना दिया? 17-18% इस पे जीएसटी दी इन्होंने, और देश के सारे गरीब लोग रोज, आज जो भी करो जीएसटी निकलती है आपके जेब से, शायद आपको पता भी नहीं लगे, गाड़ी में पेट्रोल भरा जीएसटी, खाना खाया जीएसटी, रेस्टोरेंट में गए जीएसटी, कपड़े खरीदे जीएसटी, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी हजारों रुपए में, और जीएसटी एक जैसे देते हैं, और फिर आपके जीएसटी का पैसा सीधा उसके जेब में जाता है। तो आर्थिक अन्याय, रोजगार खत्म कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, और पब्लिक सेक्टर के सारे यूनिट
प्राइवेटाइज करके अदानी जी के हवाले किए जा रहे हैं। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय, आर्थिक अन्याय हुआ। अब दूसरा सामाजिक न्याय, पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। आज सुबह मुझे बताया किसी ने कि राहुल जी एक नई चीज चालू हुई है, ये हवा में ड्रोन उड़ रहे हैं, बहुत सारे ड्रोन उड़ रहे हैं। मैंने पूछा ये भैया क्यों उड़ रहे हैं, कहते हैं भैया ये सर्वे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई सर्वे किस बात का? आदिवासियों ने मुझे कहा कि राहुल जी ये जो ड्रोन आ रहे हैं ना, ये हमारी जमीन चोरी करने के लिए यहां भेजे जाए जा रहे हैं। ड्रोन आएगा, सर्वे करेगा, फिर आदिवासियों को बताया जाएगा भैया ये जो जमीन थी ना तुम्हारी, ये अब तुम्हारी नहीं है, ये अब अदानी की है, सब बेच दिया। अच्छा ठीक है भैया बेच दिया, मगर फिर कॉम्पनसेशन नहीं दी, मतलब उनको जो उनका था उनसे छीन लिया, उनको ना नौकरी दी ना कॉम्पनसेशन दिया, और फिर कहते हैं भैया देश का बहुत विकास हो रहा है। और ये कर कौन रहा है? ये बीजेडी और बीजेपी मिलके कर रहे हैं। तो आप देखिए बीजेपी, बीजेडी, मतलब पहले दो अफसर तो अक्षर तो एक ही हैं, बस डी और पी फर्क है। तो ये दोनों भाई भाई नहीं भैया, ये पार्टनरशिप चल रही है, बिजनेस पार्टनरशिप होती है ना, ये वो चल रही है। वहां पे आपके चीफ मिनिस्टर मोदी को मदद करते हैं, यहां पे मोदी आपके चीफ मिनिस्टर की मदद करते हैं। और लड़ाई किससे दोनों करते हैं? कांग्रेस से। मोदी जी 24 घंटा भाषण देते हैं, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये बीजेडी वाले 24 घंटा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि हम इनसे लड़ते हैं। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था, अन्याय हो रहा है आर्थिक सामाजिक, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। पार्टनरशिप चल रही है बीजेपी की बीजेडी की, और पूरा का पूरा फायदा बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आप जानते हो कि ओडिशा में से 30 लाख लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, आप जानते हो ये? 30 लाख लोग ओडिशा को छोड़ के गए हैं और बाकी प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं। और वो 30 लाख यहां से गए और 30 अरबपति बाहर से यहां आए, जो आपकी जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल, जो भी आपका है वो 30 लोग उठा के आपसे ले रहे हैं। करवा कौन रहा है? बीजेडी और बीजेपी। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था, आप लोग नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हो, आप लोग मोहब्बत की दुकान वाले लोग हो। तो आपको सब जगह मोहब्बत की दुकान खोलनी है, इनका बाजार है नफरत का, उसके बीच में जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। धन्यवाद, जय हिंद। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now